पाकुड़ नगर थाना में किसी मामले में पूछताछ के लिए लाए गए एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आम लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं घटना का पता चलने पर एसडीपीओ पाकुड़ अजीत विमल थाना पहुंचे। एसडीपीओ के अनुसार पूरी घटना की जानकारी मृतक के परिजन सहित बंगाल पुलिस को दी गई है। उन्होंने बताया कि परिस्थिति में अब्दुल ने फांसी लगाई, इसकी जांच की जा रही है। अब्दुल बारी को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था। जानकारी के अनुसार पाकुड़ नगर थाना में बीते 20 जून को अलीगंज के सज्जाद नामक एक युवक का अपहरण हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के अंतरदीपा गाँव निवासी 40 वर्षीय अब्दुल बारी को पूछताछ के लिए थाने लाए थे। बताते चले कि अब्दुल ने अपहरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया था। इसके बाद उसे जेल भेजे के लिए हाजत में रखा गया था, लेकिन देर रात उसने शर्ट का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।